गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं 18th ऑफ अक्टूबर की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेकर के आपके साथ हाजिर हूँ करंट अफेयर्स के अपने सेशन में टू द पॉइंट में। एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम न्यूज़ पर आएंगे, स्टैटिक वगैरह थोड़े बहुत रहेंगे, उसको देखते हैं आगे हम पूरे सेशन में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आप लोग एक चीज़ में और बता दूँ, जो सेशन में पूरा पढ़ाता हूँ इसकी PDF लिंक, पूरी एक PDF की फाइल मैं शेयर करता हूँ हर बार कमेंट बॉक्स में नीचे, तो वहाँ से आप जा करके उस PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम पहले क्वेश्चन की तरफ अपने चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा प्रियांशु रजावत, जस्ट ए मिनट। पहला क्वेश्चन है हमारा प्रियांशु रजावत किस खेल से संबंधित है। कल मैंने बताया था आपको, एक न्यूज़ बताई थी, क्या था कि जो इंडियन शटलर हैं प्रियांशु रजावत, वो ईसा टाउन में बहरीन इंटरनेशनल सीरीज बैडमिंटन पुरुष एकल खिताब उन्होंने जीता है। तो कौन से किस खेल से संबंधित हो, बैडमिंटन से, कौन से ओपन में जीता उन्होंने, बहरीन इंटरनेशनल सीरीज बैडमिंटन में जीता है। ठीक है, नेक्स्ट, किस शहर में भारत आशियान ट्रैक 1.5 संवाद साइबर मुद्दों पर आयोजित किया गया था। ये कहाँ किया गया था, तो आप लोगों को पता होगा, याद होगा अच्छे से, नई दिल्ली में किया गया था। अब आशियान के बारे में मैंने आपको जो डिटेल बताई थी वो आप लोगों को याद है क्या है, ये 1967 में इसका ये फाउंडेड हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जकार्ता इंडोनेशिया में। इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है, लिम जॉक होई, और मेंबर्स वगैरह में इसके इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, म्यांमार वगैरह, कंबोडिया, लाओस वगैरह हैं। मैंने सारी लिस्ट कल आपको दी हुई थी। नेक्स्ट, किस दिन राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG ने 35वां स्थापना दिवस अपना मनाया गया, इसका आंसर बताइए आप लोग। कल न्यूज़ मैंने डिस्कस की थी आप लोग के साथ। इसका आंसर बताइए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 15 अक्टूबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 15 अक्टूबर। थोड़ा सा मैं भी स्किप कर रहा था इसलिए मैं वेट कर रहा था, बस अभी क्लिक कर गया दिमाग में। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया। ऑस्ट्रेलिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया, ऑप्शन सी आप लोग नज़र आ रहा होगा, अनामुला गीतेश शर्मा को। ये जो पांचों न्यूज़ है आप लोग, पांचों ऑप्शन है आपके सामने, ये आप लोग देख रहे होंगे कि ये पांचों ऑप्शंस कल किसी न किसी तरीके से न्यूज़ फॉर्म में आपके सामने डिस्कस हुए थे। ठीक है, तो वो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, उसको आप देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्या, ग्रीस में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया, किसे नियुक्त किया गया, ऑप्शन नंबर ए अमृत लुगुन को, किसे नियुक्त किया गया, अमृत लुगुन को। ठीक है, नेक्स्ट, ग्रीस की राजधानी मैंने क्या बताया था, एथेंस बताया था आप लोगों को। महिला वर्ग में 2 व्यक्तिगत गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए, किसके द्वारा बनाए गए हैं, वो खुद एक कर्नल की बीवी हैं, उनका नाम क्या है, किरण उनियाल, उन्होंने पैर से घुटनों से बार बार स्ट्राइक करने में एक घुटने से 263 बार, और दूसरा जो उनका रिकॉर्ड है एक मतलब बारी बारी से दोनों घुटनों से 120 बार का रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है 3 मिनट के अंदर। ठीक, नेक्स्ट, इसका आंसर क्या है आपका, किरण उनियाल। नेक्स्ट देखते हैं, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में नए महालेखा परीक्षक का कार्यभार ग्रहण किया, किन्होंने ग्रहण किया, ऑप्शन नंबर डी JPS चावला, ऑप्शन नंबर डी नए महालेखा नियंत्रक के रूप में उन्होंने पदभार कल ग्रहण किया। अगला, जनजातीय कार्य मंत्री श्री .. ने आज नई दिल्ली में ट्राइफेड के वन धन प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की, आज मतलब कल की बात, परसों की बात हो रही है। ठीक है, वो मैं गलती ध्यान नहीं दिया, वो मैं एरर नहीं कर पाया, मतलब ऑप्शन को हट, यहाँ पे जो लिखा है आज इसको मैं हटा नहीं पाया। ठीक है, तो फिलहाल हम इसके आंसर पे आते हैं कि जनजाति कार्य मंत्री कौन है, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है, अर्जुन मुंडा, यानी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, खुंटी झारखंड। ठीक है, आरके सिंह आप लोग जानते हैं, पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री उनके पास, हरदीप सिंह पुरी के पास एविएशन मिनिस्ट्री है, और अर्बन एंड रूरल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, नितिन जयराम गडकरी MSME है, प्रहलाद सिंह पटेल कल्चर एंड टूरिज्म मिनिस्टर है। ठीक है, कि राष्ट्रीय टीम के 3 खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने बुधवार को भ्रष्टाचार के आरोप में अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया, किसको, यूएई के 3 खिलाड़ियों को, एक उन्हें कप्तान थे, एक बॉलर, एक बैट्समैन थे। ठीक है, यूएई अबू धाबी दिरहम। ठीक, नेक्स्ट, कैश सईद को किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया, किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया इनको, ट्यूनिशिया की राजधानी क्या है, ट्यूनिश। 2019 ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही, 2019 ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही है, किसी को याद है, ऑप्शन नंबर 2 102। नेक्स्ट, अब हम न्यूज़ पर अपनी आ जाते हैं। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र पहाड़, इंडिया और अमेरिका के बीच ये सीरीज जो एक्सरसाइज होती है ये है, ये शुरू हो चुकी है। वज्र पहाड़ दसवां संस्करण सिएटल में संयुक्त बेस लुइस मैकॉर्ड में शुरू किया गया है, ये US में ही कहीं ये जगह है। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार का 10वां संस्करण सिएटल में संयुक्त बेस
लुइस मैक कार्ड में शुरू किया गया है। नेक्स्ट, इसके पहले मैंने आप लोग को एक दो और डिस्कस की थी, वो क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब देंगे, वो कौन कौन सी एक्सरसाइज जो है अभी हाल ही में शुरू हुई, धर्म गार्जियन एक तो शुरू ख़त्म हो चुकी है और एक के बारे में बताई जो मैंने आप लोग को बताई थी अभी। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़, मिताली राज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारतीय महिला टीम को 100 जीत दिलाने वाली पहली कप्तान बन गई है। ठीक है, इसके पहले ये रिकॉर्ड किसके नाम था, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान कार्लोट एडवर्ड के नाम ये रिकॉर्ड हो चुका है, जिन्होंने 100 से ज़्यादा जीत अपनी टीम को दिलाई है। ठीक है, मिताली राज काफ़ी पुराने खिलाड़ी हैं भारतीय, इनके नाम का ये रिकॉर्ड है, सबसे ज़्यादा मैच खेलने का रिकॉर्ड, 20 सालों तक खेलने का रिकॉर्ड, कई रिकॉर्ड्स इनके नाम है इंडियन वुमेन्स क्रिकेट में। नेक्स्ट, अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी ने 6ठा गोल्डन शू अवार्ड जीता है। अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी ने 6ठा गोल्डन शू अवार्ड जीता। अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है, ब्यूनोस आयर्स, क्या है, ब्यूनोस आयर्स। ठीक है, नेक्स्ट, मुंबई के 17 वर्षीय सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने लिस्ट ए में वनडे में दोहरा शतक लगाने वाला सबसे युवा बल्लेबाजी बन चुके हैं। मुंबई के 17 वर्षीय सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल लिस्ट ए वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बन चुके हैं। 17 वर्ष की एज में इन्होंने लिस्ट ए क्रिकेट में इन्होंने डबल सेंचुरी लगाई है। देखिए, कुछ न्यूज़ जो कल की स्किप हो चुकी थी वो मैंने आज आपको दी है स्टेशन में ला करके। अगर कोई भी न्यूज़ छूटती तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, परेशान मत, वो न्यूज़ मैं अगले सेशन में आप लोगों को ऐड कर दिया करूँगा। और पीडीएफ के बारे में मैंने बताया कि लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दी होती है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मर्सिडीज़ वॉल्टरी बोटास वन द 2019 जापानीज़ ग्रैंड प्रिक्स टाइटल। मर्सिडीज़ के वॉल्टरी बोटास 2019 का जापानीज़ ग्रैंड प्रिक्स टाइटल जो है उन्होंने जीता है। ये देखिए, ये पूरी लिस्ट है एक वॉल्टरी बोटास की और मर्सिडीज़ टीम के ही दो खिलाड़ी और हैं उनकी भी, तो ये पूरी लिस्ट मैं आप लोगों को कोशिश करूँगा कल तक प्रोवाइड करने की। ये मतलब 8-9 ऐसे ग्रैंड प्री हुए थे 2019 के जो अलग अलग टाइप के हुए थे और अलग अलग उसके विजेता रहे हैं। ठीक है, तो मैं कल आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगा। भारतीय वायुसेना रॉयल एयरफोर्स ओमान के साथ एक्स ईस्टर्न ब्रिज 5 नामक द्विपक्षीय संयुक्त अभ्यास में भाग ले रही है। अभ्यास एयरफोर्स बेस मसीरा में 17-26 अक्टूबर 2019 तक आयोजित किया जाएगा। इंडिया और ओमान की जो एक्सरसाइज है एक्स ईस्टर्न ब्रिज उसको 17-26 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। ठीक है, आज भी हमने दो एक्सरसाइज डिस्कस की, बहुत ही एक्यूरेट रहेगा आप लोग एक्सरसाइजेस को लेकर के, क्योंकि एक्सरसाइजेस से क्वेश्चंस जरूर उठते हैं। ठीक है, तो जितनी भी एक्सरसाइजेस मैं यहाँ पे सेशन में डिस्कस कर रहा हूँ इधर बीच, वो बहुत ध्यान से आप लोग उस पर फोकस रहिए और उसको याद करती रहिए कौन सी एक्सरसाइज किसके साथ है। नेक्स्ट, नीति आयोग ने ज्ञान साझेदार के रूप में प्रतिस्पर्धी क्षमता के लिए संस्थान के साथ मिलकर भारत नवाचार सूचकांक जारी किया है। कर्नाटक भारत में सर्वाधिक अभिनय प्रमुख राज्य है, जो भारत नवाचार सूचकांक जारी हुआ उसमें कर्नाटक भारत का सबसे अभिनव प्रमुख राज्य है, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के बाद आते हैं। ठीक है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, राजीव कुमार, ये ध्यान रखेगा। नीति आयोग के सीईओ कौन है, अमिताभ कांत, सीईओ अमिताभ कांत जी, और उसके उपाध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजीव कुमार। ठीक है, नेक्स्ट, वरिष्ठ पत्रकार कंवर सिंह जौली का लंबी बीमारी के बाद बृहस्पति और 26 वर्ष की आयु में निधन हो गया। बस इतना ध्यान रखिए, पढ़ लीजिए न्यूज़, जो ऑब्जुरीज होती हैं ये आने के चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी शायद आ जाइए, पूछ लें कंवर सिंह जौली क्या थे, तो वरिष्ठ पत्रकार थे, ये ध्यान रखिए। ठीक है, उम्र नहीं पूछता है। उड़ीसा में पहला रोबोट रेस्टोरेंट शुरू हुआ है, जहाँ पर रोबोट आपको एज अ वेटर सर्व करेंगे। वो जो दो रोबोट जिनसे काम लिया जाएगा, जो हैंडमेड मतलब इंडिजिनस में स्वदेशी हैं, अपने देश में बनाए गए हैं, उनका नाम है चंपा एंड चमेली उनका नाम रखा गया है, याद रखिएगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, उन्होंने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है, एक के जिसका नाम है उस किस चीज़ के लिए, टू स्टे कनेक्टेड विद पब्लिक, जिस वजह से वो पब्लिक से कनेक्टेड रहें, पब्लिक अपनी सारी चीज़ें सीधे उस ऐप के जरिए मतलब सीएम तक भेज सकें। यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन ब्रसेल्स में शुरू हो चुका है, जो यूरोपियन यूनियन का जो समिट है वो ब्रसेल्स में शुरू हो चुकी है। ठीक है, जो अगली न्यूज़ हमारे जम्मू कश्मीर की चेनानी नाशरी सुरंग, ये वो सुरंग जिसका 2017 में प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया था, 9.2 किलोमीटर लंबी सुरंग है, उसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर बदला जाएगा। उसका नाम जो है चेंज करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा जाने वाला है। हाल ही में एक मैदान का ग्राउंड का नाम चेंज करके रखा गया है डॉक्टर अरुण जेटली के नाम पर, वो कौन सा था वो बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो आज का सेशन हमारा यहीं फिनिश हो रहा है और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा होगा, लेकिन आप लोग अपना फीडबैक नहीं देते हैं, इसका मतलब आप लोग अंत तक सेशन को नहीं देख रहे हैं,
फीडबैक ज़रूर दीजिए, मुझे बताइए क्या कमी आ रही जा रही, मैं उसको भी दुरुस्त करने की कोशिश करूँगा। बहुत ज़्यादा वक्त लगता है इस सेशन को बनाने में, आप लोगों को एहसास नहीं, भले 10 मिनट या 15 मिनट की वीडियो बनती है, लेकिन एक एक न्यूज़ ढूंढ ढूंढ करके लाना यहाँ वहाँ से बहुत ही मुश्किल होता है। और मैं आप लोगों को ऊपर डेस्टिनेशन तो दिखाया रहता हूँ कहाँ से मैंने न्यूज़ ली है, तो इतने न्यूज़पेपर, इतनी साइट्स वगैरह हर जगह से खोजनी पड़ती है न्यूज़, तो काफ़ी इसमें एफर्ट लगता है। तो आप लोग भी उसको मतलब थोड़ा सा मुझे इंस्पायर करिए ताकि मैं और अच्छा कर सकूँ। ठीक है, तो फिर चलते हैं, सेशन ख़त्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।